इनको भी मैं कॉपी कर लूंगा। और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप इस वेबसाइट से अगर कॉपी करते हो कुछ और आपको कॉपीराइट मिलेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ए के नीचे मैंने बी रखा, बी के नीचे मैंने सी रखा, सी के नीचे मैंने डी रखा। फार्मिया, ये जनरल नॉलेज वाली वीडियोस कैसे बनाते हैं? बोल हबी भी, ये तो तुम्हें टिप्स वाला ही बताएगी। इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी कब मिली? चांद पे जाने वाला पहला इंसान कौन था? दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर राजा कौन था? लोग ऐसे ही सवाल गूगल पे सर्च करते रहते हैं और जीके वाली वीडियोस यूट्यूब पे। चाहे सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करने वाला कोई स्टूडेंट हो या अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियोस देखने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय या फिर नीतू आंटी जो अपने बेटे मीकू के लिए बेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सर्च कर रही हैं, सबके सब ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं और व्यूज लाखों में जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं। जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी लिखते ही आपके यूट्यूब स्क्रीन पर लाखों व्यूज वाले वीडियोस आ जाएंगे। ये देखिए 1.9 मिलियन व्यूज, 78,000 व्यूज, 3.3 मिलियन व्यूज सिर्फ 4 महीनों के अंदर, नॉट बैड एट ऑल। अब चलिए ऐसा ही एक जीके वाला मोनेटाइज चैनल हम लोग देखते हैं। इस चैनल का नाम है BRGK स्टडी और इनके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और व्यूज की बात करें तो भाई साहब के सुनहरे दिन चले ही जा रहे हैं। इनकी एक वीडियो अगर आप ओपन करके देखो तो यहाँ आपको थैंक्स का बटन मिलेगा जो ये चीख चीख कर कह रहा है कि ये चैनल मोनेटाइज्ड है। तो चलिए सीखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट का यूज करके ऐसी वीडियोस हम कैसे बना सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, ना कंप्यूटर ना लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, आराम से कर सकते हो 10 मिनट के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछो, और मुझसे सीधा बात करना चाहते हो तो इस आईडी पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज करो। तो चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एंड्रॉइड फोन पे या एप्पल का जो भी आपका फोन है वहां से आपको काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, ठीक है। अभी हम काइनमास्टर ऐप के अंदर है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली 5 सेकंड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो कैसी बनेगी और क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हमें इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा टेक्स्ट एनिमेशन चाहिए, ऐसा इमेज चाहिए और इस तरीके का कुछ लुक एंड फील चाहिए जो हम अभी काइनमास्टर में एग्जैक्टली यही चीज बनाने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। बैकग्राउंड कहाँ से लेना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपको ऊपर मीडिया दिख रहा होगा यहाँ पे राइट साइड में, वहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज एसेट्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जाना है और यहां से आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड चूज कर लेना है। आप चाहे तो कोई और कलर भी ले सकते हो, लेकिन ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जो मैं जिस तरीके का जीके जनरल नॉलेज वाली वीडियो बनाने वाला हूं, वहां पे अगर आप व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लेंगे तो दूसरे कलर का जो टेक्स्ट होगा, यानी कि लाल नीला या फिर काला जो भी टेक्स्ट होगा, वो खिलकर सामने आएगा, यानी कि मिक्स नहीं हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ। इसीलिए जरूरी है यहां पे कि व्हाइट बैकग्राउंड आप चूज करें। तो हमने व्हाइट बैकग्राउंड चूज कर लिया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे और इस बैकग्राउंड को दाएं साइड में घसीट कर ले आएंगे जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारी है, ठीक है। मान लीजिए 1 मिनट की वीडियो बनानी है तो हम यहाँ पे 1 मिनट की वीडियोस यहाँ पे स्ट्रेच करके 1 मिनट कर सकते हैं। जनरली ये वीडियोस जो होती है वो 5 से 10 मिनट के बीच में बनती है, तो आप कोशिश करना कि 5 से 6 मिनट शुरू में रखना, क्योंकि आपके अभी सब्सक्राइबर्स और व्यूज कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद बाकी कुछ भी करने से पहले हमें चाहिए सवाल जो हम पूछेंगे जनरल नॉलेज वाली वीडियो में। तो सवाल कहां से आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे गूगल पे मैं जाके, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, तो गूगल पे जब मैं जाता हूं तो यहाँ पे आप गूगल के सर्च बार में लिखिएगा जीके क्वेश्चंस हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको ये देखिए ये वाली जो वेबसाइट है ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस है, आप यहां से सीधा भी कॉपी कर सकते हैं। अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं। ये देखिए यहां पे मैं क्लिक करूंगा नीचे कहीं पे भी, जैसा कि कॉपी किया जाता है गूगल से टेक्स्ट, ठीक है। तो यहां से मैं कॉपी कर लूंगा अभी, तो ये देखिए ये जैसे कॉपी हो जा रहा है यहां पे, तो मैं यहां से ये कॉपी कर लूंगा यहां पे, ठीक है। ये कॉपी करके यहां पे देखिए कॉपी पे मैं क्लिक करूंगा और अब हम सीधा जाएंगे काइनमास्टर के ऐप के ऊपर। और यहां जाने के बाद हम क्या करेंगे, लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमने कॉपी किया वो सवाल यहां पे डाल देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और यहां पे टेक्स्ट का कलर जो है हम ब्लू सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो चैनल मैंने आपको दिखाया वो लोग ऐसा ही करते हैं। कलर का बहुत बड़ा कमाल होता है,
आप अपने वीडियोस में या थंबनेल्स में या जो भी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो वहाँ पे आपका बैकग्राउंड कैसा है और आपका कलर कैसा है, इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर बोरिंग सा टेक्स्ट है, मतलब बैकग्राउंड के साथ आपका अगर टेक्स्ट का कलर बिल्कुल मिक्स हो जा रहा है तो कुछ दिख ही नहीं पाएगा अगर छोटे से मोबाइल में कोई आपकी वीडियो देख रहा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़र्स हैं, ठीक है। लैपटॉप पे बहुत कम लोग आपकी वीडियोस देखेंगे, मोबाइल पे ज़्यादा लोग देखेंगे। तो कोशिश करना कि छोटे से डिवाइस में क्लियर से क्लियर आप जितना दिखा सको, और वो ऐसे ही पॉसिबल होगा जब आप लाइट कलर का बैकग्राउंड रखोगे और डार्क कलर का आप टेक्स्ट रखोगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना सवाल रख देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लू कलर से बोल्ड कलर का यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हो, यहाँ पे फंट भी चूज कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये मोटा वाला जो बोल्ड फंट है वो चूज करके रखा है। आप चाहो तो पतला कर सकते हो, इसको मोटा कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसा कलर शेप जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक और काम करना पड़ेगा जो ये लोग करते हैं जो जीके वाली वीडियोज बनाते हैं। यहाँ पे आपको एनिमेशन रखना पड़ेगा टेक्स्ट पे, ठीक है। कौन सा एनिमेशन रखना पड़ेगा, हमेशा एक ही एनिमेशन यूज किया करो क्योंकि ज्यादातर लोग यही एनिमेशन यूज करते हैं। जो यहाँ पे आपको राइट साइड में इन एनिमेशन दिख रहा है इस पे क्लिक करो, ये आपको स्लाइड डाउन का ऑप्शन है, ये चूज करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है और हर टेक्स्ट पे आपको यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, अब मैं क्या करूंगा थोड़ा सा इसको आगे कर लूंगा, ठीक है। यानी कि यहां तक जब ये टेक्स्ट आएगा तो इसके बाद नीचे ऑप्शंस आएंगे, ए बी सी डी जो ऑप्शंस थे, तो वो ऑप्शंस मुझे यहां से मिल जाएंगे गूगल से, जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था क्वेश्चन का उसके नीचे ही आपका ये सारे ऑप्शंस भी है। तो इनको भी मैं कॉपी कर लूंगा। और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप इस वेबसाइट से अगर कॉपी करते हो कुछ और आपको कॉपीराइट मिलेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है ये इनकी खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये फैक्ट्स है और फैक्ट्स कोई भी कॉपी कर सकता है। तो ना इनको कोई कॉपीराइट मिला होगा और यहाँ से कॉपी करने के पे आपको भी कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो बिंदास काम करो, लेकिन काम करो, ठीक है, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अब ऑप्शंस दूंगा, तो ऑप्शंस में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा मैं बैक जाऊंगा और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब एक एक करके मैं एक के नीचे एक ऑप्शंस रखूंगा, ये देखिए ए के नीचे मैंने बी रखा, बी के नीचे मैंने सी रखा, सी के नीचे मैंने डी रखा, इस तरीके से मेरे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा, अब टेक्स्ट का जो कलर है ये चेंज करूंगा ब्लैक में मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब इसको आप छोटा बड़ा जैसा भी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। अब टेक्स्ट के लिए भी आपको इन एनिमेशन के अंदर जाने के बाद आपको स्लाइड डाउन करना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे आपका सवाल आता है तो यहां से यहां तक जब तक आपके नीचे के जो ऑप्शंस नहीं आ जाते यहां तक आपका वॉइस ओवर होगा, ठीक है। वॉइस ओवर कैसे करना है, आपको अपने फोन पे माइक लगाना, ठीक है, एंड्रॉइड फोन के अंदर माइक कनेक्ट करना है। और अगर अपनी आवाज आप ना भी करना चाहो, बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताता हूं मैं, जिससे भी चैनल मोनेटाइज्ड होते हैं, ठीक है। कैसे करना, पहले अपनी आवाज कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूं। बैक जाओगे यहां से और यहां पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑप्शन काम नहीं करेगा। लेकिन इसको प्रेस करने के बाद जैसे यहां से आप अपना वॉइस ओवर शुरू करते हो, पृथ्वी पर दिन और रात कब होते हैं, ऐसे मान लीजिए आपने वॉइस ओवर दिया। इसके बाद ऑप्शंस आते हैं, तो यहां से आप फिर बोलना शुरू करोगे, दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। तो इस तरीके से आप वॉइस ओवर सवाल का भी दोगे और जो ऑप्शंस है उनका भी दोगे, ठीक है। तो यहां तक आपके सवाल और ऑप्शंस दोनों के वॉइस ओवर आ चुके हैं, ठीक है। और यहां पे एक चीज और आपको डालना पड़ेगा, जब आप ऑप्शंस दोगे उसी जगह आपको इमेज देना पड़ेगा। इमेज क्या देना पड़ेगा, जैसे यहां पे सवाल है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है, तो यहां पे हमें पृथ्वी यानी कि अर्थ का फोटो लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज सर्च मैन पे जाएंगे, ये देखिए ये वाली जो आपकी ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लो, ये देखिए इमेज सर्च मैन, ये ऐप आप डाउनलोड कर लो अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐप आपका है। यहाँ पे मैं अगर अर्थ लिखता हूँ, ये देखिए अर्थ मैं लिखता हूँ और इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पृथ्वी के इमेजेस आ जाएंगे, ये देखिए कितने सारे इमेजेस आ चुके। अब मान लीजिए मैं पहला वाला इमेज ही अगर डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए ये मेरा अभी डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वापस से काइनमास्टर पे जाऊंगा और यहां पे क्या करूंगा, बैक जाऊंगा और यहां पे लेयर पे वापस क्लिक करूंगा। आपको मीडिया सेलेक्ट नहीं करना है यहां पे, ठीक है, आपको लेयर सेलेक्ट करना है। और लेयर सेलेक्ट करने के बाद
ऊपर जो आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले इसको चूज करना है, ठीक है, इस वाले मीडिया को ही आपको चूज करना है। तो यहां मैंने चूज किया और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए मैंने अभी अभी एक इमेज डाउनलोड किया था, ये वाला इमेज, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला इमेज यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा और साइड पे इस तरीके से ले आऊंगा, और इस पे भी मैं क्या करूंगा, इन वाला एनिमेशन डालूंगा। कौन सा एनिमेशन आप बताइए कमेंट्स में। ये देखिए स्लाइड डाउन वाला एनिमेशन इस तरीके से, और इसकी जो लेंथ है वो मैं टेक्स्ट की लेंथ की बराबर कर दूंगा। ये देखिए टेक्स्ट का लेंथ और जो इमेज की लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल हो चुकी है अब इस तरीके से आपका। ये देखिए ये आ चुका है यहाँ पे, ये सारा आ चुका है, ये देखिए। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सही आंसर देने से पहले आपने मान लीजिए यहां तक वॉइस ओवर किया, आपका सवाल जहां तक था, ये देखिए मान लीजिए यहां से यहां तक आपका सवाल वाला वॉइस ओवर आपने किया, ठीक है, इसके बाद आपने ऑप्शंस वाले वॉइस ओवर किए। अब यहां पे जब आपका ऑप्शंस वाला वॉइस ओवर खत्म होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, एक ही बार काम करना है, बार बार ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। ये देखिए यूट्यूब पे जाके आप इस तरीके से सर्च कर लीजिए 5 सेकंड टाइमर ग्रीन स्क्रीन, तो इस तरीके का कुछ टाइमर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। YouTube से कैसे वीडियोस डाउनलोड करते हैं ये आपको बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे आंसर्स इसके, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता वरना मेरा जो वीडियो है वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, अब मैं इस वीडियो को ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस से बैक जाऊँगा, लेयर पे क्लिक करूँगा और मीडिया पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं चूज कर लूँगा ये वाला एनिमेशन, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एनिमेशन आ चुका है। इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा और इसको क्रॉप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नीचे क्रॉपिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ और इस वीडियो को ये जो लोगो है यहाँ पे ऊपर उसको मैं उस पार्ट को काट देता हूँ और इतना पार्ट मैं रखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है, अब मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पे अब ग्रीन स्क्रीन जो है वो मुझे हटाना है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन एक मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप जब क्लिक करोगे ये देखिए इसको एनेबल करना है, क्रोमा की को एनेबल करना है। तो ये देखिए पीछे का जो हरा रंग है वो हट गया, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट भी कर सकते हो, अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए अब आपको आवाज़ भी सुनाई देगी जब ये टाइमर चलेगा, ये देखिए तो टाइमर यहाँ पे 5 सेकंड का चलेगा, तो टाइमर के हिसाब से मान लीजिए टाइमर 5 सेकंड का है तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइमर को थोड़ा पहले भी ला सकते हैं, इस पर आप उंगली रखिए और इसको खींच के बाएं साइड में लेकर आ जाइए, इस तरीके से मैं इसको लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपकी जो वीडियो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ये देखिए कुछ ऐसा ये टाइमर आपका चलेगा, और इसके बाद आपको ध्यान में रखना जहां तक टाइमर चल रहा है वहीं तक आपको टेक्स्ट वगैरह भी रखना है, इमेज टेक्स्ट सब आपको 5 सेकंड तक रखना है, ठीक है। आप चाहे तो 3 सेकंड का भी टाइमर सेलेक्ट कर सकते हो। अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप इसी तरीके से बाकी एक के बाद एक सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, फिर ऑप्शंस दे सकते हैं और उसका वॉइस ओवर कर सकते हैं, और ये टाइमर लगा दीजिए और टाइमर जैसे खत्म होगा इसके बाद आपका जो है आंसर यहाँ पे टेक्स्ट पे आप लिख दीजिए। अब बात करते हैं कि सवाल अगर हमें वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं करना है तो हम क्या करें, ठीक है। तो हमें वापस से जाना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था इसको हम वापस से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे कॉपी का, ये देखिए ये पूरा टेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये वेबसाइट, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेरे पुराने व्यूअर्स को पता होगा narakit.com। तो इस पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच वीडियो है, ठीक है, तो सॉरी ऑडियो है यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच। तो यहाँ पे जाके आप जब मैं आपको सुनाता हूँ कितनी अच्छी क्वालिटी की हिंदी ऑडियो यहाँ पे आती है, लैंग्वेज में जाके आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, ये देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में भी बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए हिंदी आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे नेपाली लैंग्वेज भी है, यहाँ पे बांग्ला भी है यहाँ पे, तो चलिए ये हिंदी है, चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं मेल वॉइस ओवर दूंगा, ये देखिए अमिताभ का वॉइस ओवर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट ऑडियो पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऑडियो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, आपको आवाज भी मैं सुना के दिखा रहा हूँ कि किस हाई क्वालिटी में, कितनी हाई क्वालिटी में यहाँ पे हिंदी वॉइस ओवर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और मैक्सिमम जो लोग है यही सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा, इस वीडियो में आपको पता चल रहा है, एक लाइक जरूर कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। चलिए वॉइस ओवर सुन के देखते हैं। एक पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, दैनिक गति के कारण भी
वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये देखिए आपका जो ऑडियो है ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। और इस ऑडियो फाइल को अभी हम काइनमास्टर में यूज करने वाले हैं। इसको ओपन करते एक बार, तो चलिए अब काइनमास्टर पे वापस चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम जा चुके हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ से मान लीजिए, ये देखिए एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मान लीजिए मेरा जो वॉइस ओवर एक्चुअली टेक्स्ट का वो शुरू हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मेरा सवाल आया, तो यहाँ से मेरा वॉइस ओवर होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें ऑडियो ऐड करना पड़ेगा। तो हम बैक जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बैक जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है। ये देखिए आपको राइट साइड में ऑडियो दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्डेड का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये देखिए इस पे जाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे जाकर आपको ये जो सॉन्ग्स का ऑप्शन दिख रहा है, ये सॉन्ग्स पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ आपके जो फोन है आपका, यहाँ पे जितने भी ऑडियोज रिकॉर्डेड है वो आ जाएंगे। और अभी अभी जो हमने अभी डाउनलोड किया था ऑडियो, वो था पृथ्वी पर दिन और रात। एक पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑडियो जो है ये आ चुका है, तो इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑडियो आ चुका है। देखिए अब हम ऑडियो को एक बार प्ले करके देखते हैं। चलिए, एक पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, अ दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति। अब यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो चुका है, क्योंकि मैं अभी जल्दी में आपको समझा रहा हूँ। आप यहाँ से बढ़िया से एडिटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपका टेक्स्ट है वहीं तक ऑडियो आएगा, फिर जहां पे टेक्स्ट है वहां पे ऑडियो आएगा। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आप धरा धर मतलब 3, 4, 5, 10, 15, 20 जितने सवाल है बना दो यार, क्या करना है, कॉपी और पेस्ट ही करना है। और यहां से लाखों की इनकम होती है, क्योंकि जो लोग भी सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं वो ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं। और आपको आइडिया भी नहीं कितने लोग सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हर जगह ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग भरे पड़े। हमें क्या है, हमें तो यूट्यूबर बनना है, अपने को तो बस पैसा कमाना है। तो चलिए ये बहुत आसान सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं जब भी फ्यूचर में बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दोबारा मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के लिए टाटा।